गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं तो बिहार बोर्ड की तैयारी में स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपको जो चैप्टर चल रहा है, पहले आप BTBC बुक को फॉलो करिए, बनाइए, इसके बाद साइड बुक को बनाइए, क्योंकि जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सब BTBC बुक से आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अन्य बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग चल रहे थे AP, AP में मात्र एक सूत्र बताए थे, क्या याद है? TN इक्वल टू व्हाट? TN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मात्र एक फॉर्मूला मैंने बताया। अब उसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कहता है कि एक AP का दो प्रकार का AP है ना, दो प्रकार का एक AP का दो, अच्छा दोनों AP के समाप्त, दोनों AP के अंतर सर्वांतर समान है, दोनों AP के सर्वांतर क्या है, समान है, माने T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 बराबर जितना रहेगा आपको A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1 ये क्वेश्चन कह रहा है। और समापद देखिएगा, समापद का अंतर 100 है, तो हजारवा पद का अंतर बताएं। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप पर अगर इसको क्वेश्चन अगर आप लेते हैं तो इसका भी 100 होगा, बिना बनेले उत्तर आ गया, क्योंकि समान बढ़ रहा है, दोनों AP समानांतर श्रेणी समान बढ़ रहा है, तो अंतर हमेशा समान होते चल जाएगा, ये स्पष्ट है। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? मान लिया जाए कि पहला AP माने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन T1, T2, T3, T100, T1000 डॉट करके है, इस तरह से बढ़ रहा है। दूसरा AP A1, A2, A3 कितना, A100, A1000 ये डॉट है, बीच में डॉट है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, डायरेक्ट 1000 तो होगा नहीं, है ना, इस तरह से डॉट है, एक बार भी डॉट है, मतलब इस तरह से बढ़ते चले जाए। तो आपको प्रश्न कहता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब समांतर सेम है, तो एक में कल लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू A2 माइनस A1, समांतर सेम है, मैंने जो ई पद से ई पद में घटाएंगे बराबर, माने ई ए दोनों पदों का अंतर, माने आपका क्या है A1 A2 माइनस A1 सेम होगा, D मान लिया दोनों का सर्वांतर, माने D दोनों बढ़ रहा है, ई भी D प्लस D प्लस D, ई भी D बढ़ रहा है, माने दोनों का सर्वांतर सेम है, कह रहा है बराबर है। अच्छा ठीक है, तो प्यारे बच्चों मान ले जाए कि आप ये समझ ही लीजिए सेम है, क्वेश्चन आपको कहता है, यहां से आ जाइए क्वेश्चन प्रश्न से, क्या कहता है क्वेश्चन कि 100 पद समापद माने T100 माइनस A100 इक्वल टू 100 है, कह रहा है कि नहीं 100 है, तो आप बताइए कि हजारवां पद के लिए कितना हो जाएगा। अरे भैया, हजारवां पद के मतलब T100 और प्लस कितना, T100 प्लस 900D, प्रत्येक D बढ़ रहा है, तो आप दिमाग लगाइए कि अगर 101 रहेगा तो प्लस D, 2 रहेगा तो 2D, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा, तो 1000 है, तो आपको 1000 कह रहा है, तो 100 तो यही है, कितना वो घट रहा है, 900 घट रहा है, 1000वां पद के लिए 900 और चाहिए,
है ना, 100 पद तक दे रहा है तो कितना 900 डी हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना, 900 डी बढ़ जाएगा हजारवा पद। कॉमन डिफरेंट मालूम है, समांतर सेम है तो 900 डी बढ़ जाएगा, यही मेन समझना है। क्योंकि जैसे ही प्रत्येक टर्म बढ़ते चल जा रहा है डी 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 है ना, तो अगर 102 रहेगा तो 100 अब प्लस 2d है ना, उसी तरह से ये भी पढ़ेगा 1000 है तो आपको 100 को ये 100 माने हैं तो 900 और जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 के लिए 100 और माइनस प्लस 900d। लेकिन आपको कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर माने घटाओ, एक अच्छा t1000 इक्वल टू इतना कितना t100 प्लस 900d माइनस a 1000, तो वन ए 1000 का वैल्यू कितना दिए थे, माने माइनस a 100 माइनस 900d। अब प्यारे बच्चों माइनस किए थे 900d से 900d कट गया, आपका कितना आया t100 माइनस a100, तो इसका वैल्यू समीकरण 1 में कितना आता 100, तो a100 माने दोनों का हम अंतर माने 1000वां पद का भी अंतर 100 ही होगा। स्पष्ट हो गया, 1000वां पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा, 100 ही होगा, स्पष्ट हो गया। अब ये कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीन अंकों की बताएं कि तीन अंकों की वे संख्या कुल कितनी होगी, तीन अंकों की वे संख्या कुल कितनी होंगी जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो प्यारे बच्चों 7 से विभाज्य है तो डायरेक्ट एक बनाने के दो विधि है, इसमें हम बताएंगे, जो विधि पसंद है वो विधि आप अपनाइएगा। तीन अंकों की बड़ी संख्या कितना 999, तो tn इक्वल टू पहला पद तो 7 होगा, 7 से विभाज्य है तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी डी, 7 बढ़ेगा 7 से विभाज्य है इक्वल टू 9999। हालांकि वह करना चाहिए, ये सिंपल मैं तरीका से बतला रहा हूँ, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 7 को इधर जाएगा 7, तो माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया और ये मल्टीपल में तो डिवाइड हो गया, और तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 992 बाई 7। अगर इसको क्योंकि नंबर है तो पूरा पूरा अंक में आना चाहिए, तो हमको आ रहा है 141, तो 141.8 तो नंबर में नहीं होगा, तो पूरा पूरा अंक कितना होगा 141, तो n बराबर कितना होगा 1 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 142 कितना हो जाएगा 142 हो गया। माने टोटल 7 से विभाजित करने वाले माने 1 से लेकर करके 999 तक कुल 142 अंक है, 142 है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, कहाँ तक 1 से लेकर के 999 तक, कहाँ तक 1 से लेकर के 999 तक कितना अंक है, एक माने कितना संख्या है 142 संख्या है। अच्छा दो अंकों की बड़ी संख्या, क्योंकि दो अंकों की बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है अगर बात तो तीन अंकों के शुरू हो जाएगा ना भाई, तो दो अंकों की बड़ी संख्या 999, तो इसमें देख लीजिए तो tn इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 99। ई क्यों कर दिए, फॉर्मूला पर सब तोड़ा है याद रखिएगा, क्योंकि tn बराबर आप क्या पढ़ते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसमें भी वही था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें भी छोटी संख्या क्या है माने कैसे स्टार्ट होगा 7 से विभाजित करने वाला, 7 से 7 होगा 7 14 ऐसे, तो n माइनस 1
इंटू डी कैके पर है डी सत सत इक्वल टू 99 मैंने दो अंकों की बड़ी संख्या है। अच्छा तो इसको एन माइनस वन इक्वल टू ई इधर जाएगा तो 99 - 7/7 हो जाएगा इक्वल टू 92/7 तो 30.1 हो रहा है लेकिन पूरा पूरा अंक लिखना है नंबर पूरा पूरा अंक की होती है इसलिए 13 हो गया तो एन बराबर ई वन इधर जाएगा तो 13 × 14। अब प्यारे बच्चों आप अब दिमाग थोड़ा सा लगाइए दो माने एक से 99 तक कुल संख्या 14 है जो 7 से विभाजित हो जाएगा दिमाग लगाइए कैसे तक 99 तक है जो कैसे 14 संख्या है जो 7 से विभाजित है और एक से लेकर करके 999 तक कुल कितना कुल 141 संख्या है जो 7 से विभाजित कर देगा तो हमको 99 तक विभाजित होने वाला घटा देंगे तो 3 अंक के बच जाएगा ना भाई तो इसलिए अतः 3 अंकों वाली कुल संख्या जो 7 से विभाज्य है तो 141 में से कितना 141 टोटल हुआ था ना 142 टोटल 142 हुआ था ठीक है 142 में से अब 14 घटा दीजिए 142 में से 14 घटा दीजिए क्योंकि 3 माने 1 से 999 तक 142 है और 3 से ध्यान दीजिएगा कितना से 1 से लेकर के 99 तक 14 है तो घटा देंगे तो 3 अंकों वाली संख्या जो कितना से विभाज्य है जो 7 से विभाज्य है 128 होगा आसान है। अब एक दूसरा मेथड से इससे भी आसान एक मेथड मैं अपनाया है ना दूसरा मेथड क्या थी देखिए 7 से विभाजित करने वाले 3 अंकों की संख्या लिखी है कि जो 7 से विभाजित होगा उसका लिस्ट बनाइए तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या 105 से स्टार्ट होगा है ना 105 100 फिर 7 जोड़ देंगे तो 112 में 7 जोड़ देंगे 119 से लेकर करके 994 तक ठीक है कैसे विभाजित होने वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या मैं निकाला तो 994 अगर इसमें 7 जोड़ देते हैं तो आपका 1001 आ जाता है जो 4 अंकों की संख्या हो जाती है 1001 तो 4 अंकों की हो जाती है तो हमको कहता है 994 तक है। अब प्यारे बच्चों अब इसी पर आप केवल बैठा दीजिए कि कुल कितने संख्या है कैसे लेकर के 105 से लेकर के 194 तक जो 7 से विभाजित होगा तो देख लीजिए 105 से लेकर के 994 तक तो ए का मान क्या होगा लगातार बढ़ रहा है एपी में हो गया मैंने साथ साथ ही बढ़ते चल जाएगा तो एपी में हो गया तो ए इक्वल टू 105 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 105 है जो 7 से विभाजित होगा जो 7 से विभाजित होगा सबसे छोटी यही है ना तो अब ये बताइए कि कैसे ज्ञात किए तो ज्ञात करने के लिए मैंने जो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने की सबसे छोटी संख्या में 7 से भाग दे ठीक है ना और अंत में जो बच रहा है तो कितना और जोड़े कि 7 से विभाजित हो जाएगा तो जितना और चाहिए जोड़ दिए तो हमको कितना आ गया 105 आ गया और उसी तरह से बड़ी संख्या निकालिए 999 में फिर 7 से भाग दे दीजिए तो जितना शेष बचेगा उसको घटा देते हैं तो हमको 994 हो जाता है मैंने सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लिखना बहुत जरूरी है जो अंकों की पूछे 4 अंकों की पूछे 8 अंकों की पूछे 9 अंकों की पूछे सब यही धारा पर बनेगा क्या कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों के जो 7 से विभाज्य है सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य और वो क्रम लिख दीजिए साथ साथ जोड़ कर करके कर दीजिए आ गया तो हमको ए इक्वल टू मालूम हो गया 105
डी इक्वल टू 7 हो गया। नंबर नहीं मालूम है तो इसलिए एन मान लिया। टी एन इक्वल टू अंतिम पद आपको मालूम है 999। तो प्यारे बच्चों टी एन इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 994 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ए का वैल्यू कितना है 105 है प्लस एन माइनस वन इंटू 7 इक्वल टू 994। अब एन माइनस वन इक्वल टू ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो गया और 7 मल्टीपल में है तो डिवाइड हो गया। इसमें से इसको सेपरेट किए तो 889 आया और इस 7 डिवाइड में था तो इसे 7 से काट दिए डिवाइड कर दिए तो हमको 127 आया प्लस 1 इक्वल टू 128। अर्थात 7 अंकों वाली या 7 से विभाजित होने वाली कितना 3 अंकों की कुल 128 संख्या है जो मैं यहाँ पर भी लिख दिया। कोई प्रॉब्लम दो दो मेथड से मैंने बता दिया, ये सबसे आसान मेथड है। केवल यही इकरा में है कि आपको निकालना पड़ेगा कि जब सबसे छोटी क्या कौन होगी, ठीक है ना, आपको हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कितना आसान कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 से विभाजित होने वाली 10 से कितना के बीच 250 के बीच कुल कितनी संख्या, कैसे विभाजित होने वाली 4 से विभाजित होने, तो वही जो इसमें लिखा हो इसमें लिख देना। क्या 4 से विभाजित होने वाली 10 से 250 के बीच संख्याओं की सूची, तो 10 से तो 10 से ज़्यादा तो 12, फिर 4 जोड़ो 16 18 और अधिक से अधिक कितना 248 250 तो 4 से ना विभाजित होता, मैंने 248 तक है कि जो 4 से विभाजित हो जाए। अब देख लीजिए कितनी संख्या है जिसे ऊपर बताए उसे ये भी बनेगा कैसे, तो उसका संख्या विभाजित होने वाली संख्या के 4 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर है ना, संख्या बराबर कितना विभाजित होने वाली संख्या इक्वल टू एन मान लिया, संख्या बराबर एन और ए मैंने स्टार्ट होता है 12 से तो ए हो गया है ना, प्रथम पद ए बराबर 12 और कॉमन डिफरेंस 4 से विभाजित है, मैंने चर बढ़ते चल जाएगा, मैंने आपका डी का वैल्यू 4 हो गया। तो टी एन बराबर आप क्या पढ़े थे ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना, सबसे टी एन के मान मैंने अंतिम पद कितना है 248 है ना, ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंट 4 था इक्वल टू 248, तो एन माइनस वन इक्वल टू पहले 12 को इस तरफ ले गए तो माइनस हो गया, 4 को लाए इस तरफ तो डिवाइड हो गया, मल्टीपल में है तो डिवाइड हो गया, इसमें से सेपरेट कर दिए तो आपका कितना आ गया 236 बटा 4, काट दीजिए तो कितना हो गया 90 काट देते हैं तो 25 और 36 ठीक है, मैंने 59 और प्लस 1 इक्वल टू 60, मतलब मैंने 60 संख्या टोटल होगा, कितना से कितना के बीच 10 से 250 के बीच कितना 60 संख्या है जो कितना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, आसान है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कितना आसान है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहला एपी है, दो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 63, 65, 67 .. तो पहले इसमें देख लीजिए, तो पहला में प्रथम पद कितना, पहला पद 63 से 67 कॉमन डिफरेंट देखिए 65 में से 63 घटा के देखिए तो 2 आता है, तो टी एन बराबर आपने क्या पढ़ा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का वैल्यू कितना है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2 हो गया, स्पष्ट है ना, चलिए
अच्छा दूसरा पद कहता है कैसे 3, 11, 17 इस तरह से बढ़ रहा है, 3, 10 प्यारे बच्चों देखिए बुक में 3, 10, 17 इस तरह से बढ़ रहा है, मैंने सत सत बढ़ रहा है, अगर मैं 21 हो 24 हो जाएगा इस तरह से सत सत बढ़ रहा है। एक मतलब पहला पद का है 3 और कॉमन डिफरेंट कितना 7, तो टीएन बराबर इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंट डी। अब प्रश्न आपको कह रहा है कि जो हम माने हैं कि एनवा पद सेम होगा, ऊपर मान लीजिएगा कहता है कि कैवा पद दोनों के समान होगा, इन कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए पहले क्वेश्चन, तो वह पद माना कि वह पद एन है, ऊपर लिख दीजिएगा माना कि वह पद एन है, माने एनवा पद समान होगा, तो देखिए तो दोनों टीएन है तो प्रश्न से समान होगा, तो इसका वैल्यू कितना था 63 + n-1 इंटू डी माने 2, और दूसरा टीएन का वैल्यू कितना आया था 3 + n-1 इंटू 7। अब दोनों का वैल्यू निकालिए भैया 63, अब ये 3 + में इधर आ गया था माइनस, अब इसमें 7 से मल्टीपल किए तो 7n-7, इसमें 2 से मल्टीपल किए तो 2n और -2, तो माइनस रहने के कारण प्लस हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको देख लीजिए 7n में से 2n चल गया तो 5n और -5, अब देख लीजिए इसलिए 5n बराबर ये इधर आ जाएगा तो जुट जाएगा ना, माइनस इधर प्लस हो जाएगा मैंने 65, तो n बराबर 5 नीचे जाएगा इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा तो 13, मतलब 13वां पद दोनों में सेम आएगा, कैवा पद सेम होगा 13वां पद दोनों में बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कहता है सो आप देख लीजिए, कहता है कि किसी भी एपी का किसी भी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और कुछ कह रहा है, देखिए कहता है कि 7वां पद 5वां पद से 12 ज्यादा है, एकदम आसान। तो एपी का मान लीजिए कि एपी का T3 = 16 एवं सर्वांतर डी है, अंतर मालूम नहीं है कि कितना डी है और पहला पद ए है, कोई दिक्कत है पहला पद ए है, तो T3 = a + n-1 × d = 16, तो एन का वैल्यू क्या है T3 है, मतलब एन का वैल्यू 3 है, 3 - 1 हो गया, तो आप a = कितना लिखेंगे इसमें से घटाएंगे तो 2d, तो 2d इधर जाएगा तो 16 - 2d हो गया, a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू कितना आया 16 - 2d हो गया। अब देखिए अब T17 देखिए 7 निकालिए यही फार्मूला पर, तो उसमें भी फार्मूला तो यही ना, एन के मान निकल गया तो a + n-1 × d, तो ए का तो वैल्यू आप लिखे थे यहाँ, ए का वैल्यू कितना लिखे थे 16 - 2d, तो 16 - 2d और प्लस ए का वैल्यू ये लिख दिया, ए के वैल्यू मैंने ए लिखा, अच्छा अब 7 में से 1 जाएगा प्लस 6d, तो 6d इट मीन्स कितना हो जाएगा 16 और प्लस 6d में से 2d जल गया था कितना 4d, तो 16 + 4d वैल्यू कितना क्या आया T7 का वैल्यू आ गया, कितना T7 का वैल्यू आया कितना 16 + 4d, दिक्कत। अब T5 का वैल्यू प्यारे बच्चों देखिए कितना का वैल्यू T5 का मतलब 5वां पद, तो a + n-1 n के मान 5 है, 5 - 1 × d है ना, तो फिर a का वैल्यू जो था पहले a बराबर कितना था 16 - 2d, 16 - 2d मैंने बैठा दिया, देख रहे हैं ना बैठाया, अब प्लस ये कितना था 5 में से 1 गया 4d + 4d, तो 16 + 4d में 2d चल गया तो कितना 2d बच गया, तो 16 + 2d,
अर्थात पांचवा पद कितना हो गया 16 + 2d, पांचवा पद 16 + 2d, सातवां पद 16 + 4d। अब कहता है क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कहता है कि सातवां पद से सातवां पद पांचवा पद से 12 ज्यादा है, सातवां पद पांचवा पद से 12 ज्यादा है। इस मीन्स सातवां पद में से पांचवा पद घटाएंगे तो हमको 12 आना चाहिए कि नहीं, सोचिए। तो इसको घटा रहे हैं 16d 16 + 4d - 16 + 2d। तो प्यारे बच्चों माइनस करेंगे तो ये 16 से 16 ही घट जाएगा, ये माइनस मतलब घट जाएगा, 2d आएगा, बराबर कितना 12। तो d बराबर 12/2 के मतलब कितना 6। सर्वांतर आपको मालूम हो गया क्या है, 6 बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों AP निकालें तो तीसरा, अच्छा तो एक में समझिए ना, AP आपको स्पष्ट हो रहा है। तीसरा पद कितना है 16 है, तो 16 में से 6 घटाइए, 6 ना बढ़ा है भाई, तो 6 इधर आ गया तो घटते चल जाएगा, 6 घटेगा तो 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, इधर बढ़ेगा तो 22, अर्थात AP कितना हो गया 4 10 16 22, इस तरह से 28 है ना, 6 बढ़ते चल जाएगा, तो AP हो गया। कितना आसान प्यारे बच्चों है, इस प्रकार से AP का क्वेश्चन आपका सब बन जाएगा। केवल मेरा जो कथन है, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे अगर जो कथन या मेरा तरीका अगर जो मान लिया तो मैथ में 100 में 100 नंबर निश्चित रूप से आएगा। लेकिन पर डे प्रत्येक दिन आपको मैथ बनाना होगा, है ना, कम से कम 10 ही मैथ बनाइए, ज़्यादा नहीं 10 ही मैथ बनाइए, और देखिए एक साल के परिश्रम में, छोड़िए पीछे 9th 8th 6th कुछ नहीं जानते थे, कोई बात नहीं है, केवल एक साल आप परिश्रम कर लीजिए, मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। और जब मैथ में 100 आ जाएगा तो आपका साइंस भी ठीक हो जाएगा, और कोई भी पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।